हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, मेरा नाम अवनीश कुमार है और आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि हम किसी भी विंडो की सीडी या उसकी कॉपी को आईएसओ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आईएसओ से होता क्या है कि आप उस विंडो को अपनी पेन ड्राइव में बूटेबल कर इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर में नॉर्मली इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि पेन ड्राइव को कैसे बूटेबल बनाते हैं तो आप मेरे को नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसकी बारे में भी वीडियो डाल दूंगा। सो फ्रेंड्स, लेट गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको एक सबसे पहले ये क्या सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी जिसका नाम है नैरो। मैंने फ्रेंड्स इसको टॉरेंट फाइल के जरिए से डाउनलोड किया है जिसकी वजह से मेरे को इसका क्रैक भी मिल गया है और ये ओनली 27 MB का है। फ्रेंड्स, ये है वो नैरो एप्लीकेशन, मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। और यस पे क्लिक कर देता हूँ। फ्रेंड्स, अभी ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है। फ्रेंड्स, मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो एक ड्राइव लिंक होगी। फ्रेंड्स, जितने इंस्टॉल होता है मैं इतने वीडियो को पॉज कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है, मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ और आई एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स ऑफ प्रीसाइडिंग लाइसेंस एग्रीमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ आप जो भी नेम लेना चाहते हैं, जैसे कि मैं अपना दे देता हूँ, वो दे सकते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। फ्रेंड्स, अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, इसको इंस्टॉल होने में कुछ टाइम लग सकता है। फ्रेंड्स, ये काफ़ी फास्टली इंस्टॉल हो रहा है मेरे अकॉर्डिंग तो। फ्रेंड्स, ये इंस्टॉल हो चुका है। सो फ्रेंड्स, ये अब कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आप इसका शॉर्टकट अपने डेस्कटॉप पे बनाना चाहते हैं आइकन जैसे ये हैं, सो फ्रेंड्स आपको इसको पहले वाले ऑप्शन पे राइट का टिक लगा देना होगा और फिनिश कर दीजिए। फ्रेंड्स, ये अभी खुल रहा है, तो मैं दोबारा खोल लेता हूँ इसको। सो फ्रेंड्स, ये खुल चुका। फ्रेंड्स, अब हमें इसमें एक आईएसओ बनानी होगी। उसके लिए फ्रेंड्स आपको डेटा पे जाना होगा और मेक डेटा डिक्स पे क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स, वहाँ जो लाइसेंस की है आपको उसको यहाँ एंटर करना है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और ओके पर क्लिक। और ये इसको दोबारा से ओपन कर लेता हूँ और ये। सो फ्रेंड्स, ये कुछ टाइम लेगा और फ्रेंड्स ये खुल गया। आपको यहाँ ऐड के आइकन पे क्लिक करना है और फ्रेंड्स अगर आपके पास कोई फोल्डर है तो आप यहाँ से ऐसे करके फोल्डर चूज़ कर सकते हैं, वरना फिर आप अपनी सीडी को चूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये यहाँ एडिंग हो रही है।
फ्रेंड्स अभी ये ऐड हो गया है, आपको फिनिश्ड पे क्लिक करना है और इसको खोल लेना है और यहाँ पे आपको इन सारी फाइल्स को सिलेक्ट कर नेक्स्ट कर देना है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको जो भी आप अपनी ISO का नेम देना चाहते हैं जो बुटेबल करने पे आपकी पेन ड्राइव का बने वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। जैसे मैं अपना नेम दे देता हूँ, या मैंने ये एंड्रॉयड की ISO है, एंड्रॉयड 4.4 किटकैट। सो फ्रेंड्स अभी ये हो चुका है, अब आपको यहाँ बर्न पर क्लिक कर देना होगा। फ्रेंड्स आप यहाँ बर्न पर अब क्लिक कर देना होगा और फ्रेंड्स और आपको यहाँ अपनी लोकेशन, जैसे मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं इसको नेम डालना चाहता हूँ एंड्रॉइड। और फ्रेंड्स आप यहाँ पे इसको NRG फाइल ISO फाइल दोनों में से किसी में भी सेव कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अब ये काफ़ी फास्ट बर्न हो रहा है फ्रेंड्स, मेरे अकॉर्डिंग इसको बर्न होने में एक मिनट भी नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स ये 55 सेकंड के अंदर बर्न हो चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 55 सेकंड्स के अंदर ये बर्न हो गई है। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम हो या कोई सुझाव हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।